Assalamualaikum guys, welcome back to my new vlog. तो आज मैं बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है मैंने अपने शौहर को कुछ भी नहीं खिलाया है ना शौहर? तो मैंने उनको बताया है कि यार मुझे बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है, मैंने सोचा कि आज हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और मैं आपको सब दिखाऊंगी रेसिपी। और वहाँ से आया मेरा छोटा सा पम्पकिन, पम्पकिन इधर आए, पम्पकिन थोड़ा सा हीट अप हो जाए। चलिए हम हमें ज्वाइन करने के नहीं नहीं पता नहीं, वैसे गाइस सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, मुझे लगता है वेकेशंस पे लेके आते हैं और कहते हैं हमने काम करना है। हम डाल देते हैं ऑयल, सारे डाल देते हैं फिर क्या ही, थोड़ा सा तो है हमारे पास। हाँ जी, जितना मिनिमम हो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं चिकन को लाइट फ्राई, मतलब गोल्डन फ्राई करेंगे चिकन को, और चिकन मेरे पास बहुत ज़्यादा है और बर्तन बहुत थोड़ा है, छोटा है, देखते हैं कि किस तरह की बनती है। अब चिकन हमारी फ्राई हो गई है, तो इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर। ठीक है गाइस, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको मिक्स करना इस बर्तन के अंदर, बट इट्स फाइन। मैं अभी इसको सारे स्पाइसेस डाल के सही से मिक्स किया है और अब मैं चावल रख लेती हूँ ऊपर साथ, मतलब चावलों का पानी रख लेती हूँ, तब तक चिकन हो जाएगी और फिर चावलों को बॉईल करके और इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ फिर इसको हम लेयरिंग कर देंगे। अभी तक का तो मेरा ये क्या कहते हैं उसको इरादा है, देखते हैं आगे। टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर हम योगर्ट ऐड कर देंगे और इन दोनों को सही से मिक्स करके, तो मैंने ना साथ फ्राइड अनियंस ले लिए थे साथ, तो उसके अंदर वो डाल के अब इसको सही से मिक्स करके और हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। चावलों के पानी में तेल, अब ये इसकी ग्रेवी अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना वो बिरयानी मसाला ऐड करूँगी ताकि ऑफ कोर्स बिरयानी का फ्लेवर आ जाए उसके अंदर। और बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। और चावलों के पानी के लिए मेरे पास तेल नहीं था, मैंने थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिक्स करके डाल दिया। एनीवेज चावल भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट तैयार है, तो अब हम बर्तन जो है ना हमारे पास नहीं है, तो अब देखते हैं कि हम इसको किस में निकालेंगे और फिर और लेयरिंग किस तरह से करते हैं। लेयरिंग जो करनी है तो बाकी निकल गए हैं, जैसे तैसे करके कोशिश करके मैंने चावलों को डिश में निकाल लिया और ड्रेन किया, पता नहीं बिहाइंड द सीन वाज काइंड ऑफ टफ। तो अब मैं लेयरिंग उसी वाले मतलब मैं कर रही हूँ जिसमें मैंने बिरयानी एक्चुअली जिसमें चावल मैंने बॉईल किए हैं, तो वही थोड़ा सा मुश्किल है यार जब आपके पास बर्तन पूरे ना हो। मेरे पास तो स्पाइसेस भी पूरी नहीं थी और मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या किस तरह की बिरयानी निकलेगी। तो खैर मैंने लेयरिंग एक बर्तन में कर ली है और बाकी जो यहाँ पे सालन रह जाएगा वो चावल जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो मैं इसी के अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी, क्योंकि वो वाला भी छोटा है बर्तन। और बाकी लेयरिंग शेयरिंग करके सही से गार्निश करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो है ना वो बिरयानी निकली। और ये चमचा मैं निकालना ही भूल गई थी बीच में इसमें का, लेकिन कोई बात नहीं। और बाकी मैंने एक दो दफ़ा टेस्ट किया बीच में मसाला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैंने अपने हस्बैंड का रिएक्शन देखना है, क्योंकि मैंने उनके लिए ये पहली दफ़ा बनाई है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का उनका रिएक्शन आएगा। तो यस लेट्स सी। बाकी की बिरयानी मतलब चावल मैं सोच रही हूँ इसी के अंदर इसको हम दम दे देंगे, और क्योंकि वो तो
फुल हो चुका है और बाकी जो रह गया थोड़ा बहुत वो इसी पैन के अंदर हम इसको डाल के मिक्स कर देंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं टेस्ट टेस्ट करने लगी हूँ कि हाउ डज दिस टेस्ट लाइक। सो यार दम किससे दूं? गाइस बिरयानी रेडी है यार। शज्जी ऐसी बिरयानी हाँ आपने जिंदगी में नहीं खाई होगी, अपनी तरीके खुद करी जा रही हूँ। फाइनल लुक ऑफ माय बिरयानी। शज्जी बिरयानी रेडी है, अब आप इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको इधर रख के देती हूँ। ओके मेरे हाथ से ना गिर जाए। तो शजी बताएं किस तरह की बिरयानी बनी आज। पोटी नहीं टूट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से टेक योर टाइम। तो स्पाइसेस ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बनी। थैंक यू बेबी, थैंक यू। अब मैं भी खा लूँ आके। इसी में खा लेते, प्लेट नहीं हमारे पास, ठीक है।